हेलो बच्चों, आज डाउट नंबर 3 पे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंसियरली देखो। टू पिथबॉल, पिथबॉल तो पता है किसको बोलते हैं। ये एक ऐसा बॉल है जिसको चार्ज करके हम लोग रबिंग करके इसको चार्ज कर सकते हैं, और इससे पहली बार हम लोग को इलेक्ट्रोस्कोप भी बना था। तो अभी हम लोग बात करते हैं, टू पिथबॉल ईच वेगिंग 10^-3 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय मीन्स ऑफ ए सिल्क थ्रेड। मतलब दो पिथ बॉल है, एक ही पॉइंट से उसको सस्पेंड किया गया है और सिल्क थ्रेड से। सिल्क इज एन इंसुलेटर, चार्ज इज नॉट ट्रांसफर थ्रू देम, इसी वजह से यहाँ सिल्क थ्रेड दिया गया है। जो चार्ज उसमें जनरेट हो जाएगा वो वही रहेगा। और सिल्क थ्रेड का जो लंबाई है वो 0.5 मीटर है। ऑन चार्जिंग द बॉल इक्वली, और हम लोग बॉल को इक्वली चार्ज किए हैं तो दोनों को क्यों क्यों मान लेंगे। दे आर फाउंड टू बी रिपेल ईच अदर। अब इक्वल चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है रिपेल करेगा। रिपेल करके उसका जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर का हो गया। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच पिथ बॉल, तो दोनों पिथ बॉल का चार्ज आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बताए, दो पिथ बॉल है, दोनों का मास है 10^-3 kg, और जिस सिल्क थ्रेड से, दो सिल्क थ्रेड एक ही पॉइंट से लटका हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस मतलब सिल्क थ्रेड का लंबाई है 0.5 मीटर, और रिपेल होने के बाद उसका डिस्टेंस ये है, आपको फाइंड करना है चार्ज। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तो हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। बोला क्या कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ भी एक सिल्क का थ्रेड लटका दिए, यहाँ भी एक सिल्क का थ्रेड लटका दिए। ये इनिशियल अभी स्टेज का है, इसके पास भी चार्ज किए, इसके पास भी चार्ज किए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा पक्का। जब रिपेल करेगा तब डायग्राम आपको देखना कि कैसा लगेगा। मेन यहाँ से काम हो रहा, स्टार्टिंग क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था, ऐसे लटका दिए, लटकाने के बाद चार्ज से मैं दोनों इक्वली फोर्स लगा देगा, और जब लगाएगा तो ये रिपेल होकर के एक पॉइंट जो डिस्टेंस आपको दिया था, रिपेल होकर के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि डिस्टेंस रिपेल होने के बाद उसका डिस्टेंस हो जाता है 0.2 मीटर। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि ये रिपेल हो रहा है, अब ये ऐसे रिपेल होकर के यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये यहाँ से रिपेल होकर के यहाँ आके खड़ा हो गया। ठीक है, दोनों के पास चार्ज क्यू है और दोनों के पास अपना मास भी है। ये ऐसे रिपल्सन फोर्स गेन कर रहा है, और दोनों के पास बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बोला रिपल्सन के बाद कितना होगा, तो 0.2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये थ्रेड है जिसका लंबाई 0.5 मीटर का है, और ये भी 0.5 मीटर का है। ठीक है, और वर्टिकली जब ये रिपेल होगा तो यहाँ कंस्ट्रक्शन से एक लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इधर रिपेल हुआ, ये इधर रिपेल हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर रिपेल हुआ तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ये भी सेम थीटा एंगल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फोर्स से रिपेल करेगा, इसीलिए यहाँ एंगल भी बराबर बराबर है। ठीक है, चार सेम है तो बराबर बराबर फोर्स से रिपेल किया। इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं डी। ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये लाइन जो है यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस लाइन का, ए डी वाला लाइन का, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को लिख सकते हैं 0.1 मीटर का हो गया ये लेंथ। ठीक है, और यहाँ भी ये लेंथ जो होगा वो 0.1 मीटर का, हाफ हाफ हो गया, 0.2 का हाफ, 0.1 मीटर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है। नाउ द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, और इस पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा, तो दोनों में से किसी एक को रिजॉल्व आप कर लेंगे। सबसे पहला तो इसके पास मास भी था क्वेश्चन में, इसके पास क्या लगेगा, वेट mg। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेंशन लगा t, और टेंशन दो टाइप से रिजॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे क्या, ये कूलम फोर्स है जो ये चार्ज पार्टिकल इस पे लगा रहा है,
ये परफेक्टली एक्स और वाई पे लाई करने वाला फोर्सेस है, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, टेंशन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। देखो ये वाला लाइन ऐसे, फिगर को ध्यान से सब लोग देखेंगे, जहाँ मेरा पेन चल रहा है, हाथ जहाँ मेरा चल रहा है उसको देखेंगे, ये ऐसे है तो ये क्या हो गया, थीटा, थीटा एंगल बन रहा है, और ऐसे करके जेड भी बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, क्लियर है। तो टेंशन रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, एक इसका कंपोनेंट जो है थीटा के नज़दीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा, और एक इसको लिख सकते हैं टी साइन थीटा। चलो ये काम तो सबको आता है यार, टी साइन थीटा। अब यहाँ से सवाल को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो सब आपस में सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो टी साइन थीटा जो है ये फोर्स के बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू कुलम्बिक फोर्स एफ, और यहाँ पे टी कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो टी कॉस थीटा एम जी, दो इक्वेशन हम लोग का आ गया। अब हम लोग को दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन वन को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर टू से, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, और इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाई एम जी, ठीक है। टी से टी कैंसल, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, और एफ डिवाइडेड बाई एम जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसका गुणा इसे कर देंगे, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा, ठीक है, एम जी टेन थीटा हो गया, ये चीज़ है। अब ये एम जी टेन थीटा तो हम लोग का निकल गया, अब इसका वैल्यूज को फाइंड आउट करना है हम लोग को कि कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे अब बड़ा प्रॉब्लम है टेन थीटा निकालना, ठीक है। तो फिर से हम लोग को यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही सबका वैल्यू डालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ भी चार जो है देख रहे हैं फिगर में, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 0.2, ठीक है। तो क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मास का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, एम जी अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, और ये टेन थीटा का वैल्यू भी नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन को, तो अब हम लोग जो इसको क्रॉस करके ले जाएंगे, सबसे निचला स्टेप में देखेंगे क्रॉस करके, ये जो नीचे वाला टर्म है ऊपर ले जाएंगे, सबसे पहले ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यूज डाल देते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर था, 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04, और यहाँ पे m का मास कितना था, ये जो वैल्यू था आपके पास एम जी, तो m का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, 10⁻³, g का वैल्यू 9.8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है टेन थीटा का वैल्यू निकालना, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस करके। तो अब हम फिगर के पास आ जाते हैं, टेन थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, जो बचा सो बेस। तो बेस निकालना है तो हमको अब यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा। तो देखोगे इन राइट ट्रेंगल, देखेंगे इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी राइट ट्रेंगल ले लिए, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर हो गया हमको, ये सॉरी थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, हमको बेस चाहिए, बेस चाहिए यानी बेस चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, h² - p² और h का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, तो 0.5, जो 90 के अपोजिट में, 0.5 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू है परपेंडिकुलर का 0.1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसका होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, चाहे तो बिना होल स्क्वायर a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा, एक बार इसको जोड़ देंगे, 0.5 + 0.1 a + b,
और फिर एक बार इसको माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस 0.1 ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, इसे भी पॉइंट हटाएंगे, इसे भी पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ बाई 10, यहाँ बाई 10। अब ये 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग के लिए, तो 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्या, तो 10 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये 6 अंडर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास क्या आ गया, 4 10 10 दो है, एक बाहर निकल गया, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, और ये अंडर रूट 6 रह गया। अब हम लोग अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.4 लमसम आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हम लोग को मिला कितना, तो 2 इंटू रूट 6 का वैल्यू हो गया 2.4 लमसम, और ये डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा क्या, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा ये चीज, 4 4 2 8 2 2 4 बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो है तो एक अंक बाद और पॉइंट पुट करेंगे तो 0.48 ये हम लोग के पास आ गया इतना मीटर। ये किसका वैल्यू है, तो ये है बेस का वैल्यू। ठीक है, ये अभी आपका निकला किस चीज़ का वैल्यू, बेस का वैल्यू। ठीक है, बेस आ गया ये। अब ये टेन थीटा आपको देगा, तो अब हम लोग अपना जो पुट करना था टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, एफ के जगह 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई दिस एम जी टेन थीटा, ये इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल दिए। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर कर दिए, एम का वैल्यू पुट कर दिए, जी का वैल्यू पुट कर दिए। अब टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर, ये ओ बी हो गया बेस, तो बेस का वैल्यू ये निकला है, ये बेस है आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 10⁻³ 9.8 और परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब थीटा का वो परपेंडिकुलर 0.1 और बेस है हम लोग का 0.48। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोग लगातार वैल्यू को क्रॉस करते जाएंगे, नीचे वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, इधर इसका गुना इससे करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, अब इसका गुना इससे करते हैं, तो ये हम लोग के पास हो गया क्यू स्क्वायर। अब देखो 9.8 × 0.1 फिर इसका गुना इससे कर देंगे 0.04। ठीक है, और ये डिवाइड वाला सब इधर इंटू में चला जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये सब तो कर दिए हम लोग, अब ये इंटू वाला चीज़ डिवाइड में आ जाएगा 9 × 10⁹ ऐसे कर लिए काम। अब करने के बाद अब हम लोग का सारा फिगर लिखा गया और एक नीचे वाला टर्म बचा हुआ, देखो ऊपर में क्या क्या था, 9.8 मिला लेते हैं एक बार 0.1, फिर ये वाला डिवाइड में इधर गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, और यहाँ पे आया आपका 0.48। ठीक है, जो नीचे था। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर है, हमको क्यू का वैल्यू चाहिए, तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या आना चाहिए सीन में, क्या है हम लोग के पास। तो राउंड ऑफ करके हम लोग इसका वैल्यू को लिखते हैं अगर, ठीक है, राउंड ऑफ करके अगर वैल्यू को लिखते हैं, देखते हैं क्या लमसम हम लोग को वैल्यू मिलता है। तो राउंड ऑफ करके हम लोग वैल्यू देखेंगे, तो राउंड ऑफ करके वैल्यू हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो अभी देखते हो दो अंक बाद पॉइंट है, फटाफट करते जाते हैं, दो अंक बाद पॉइंट यहाँ है कट गया, दो अंक बाद पॉइंट यहाँ है कट गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इंटू अगर हम लोग कर दे, इसका गुना इससे कर दे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे पहले 9.8 और जीरो तुम्हारा ये 4 9.8, अब बचा क्या, 9.8 × 0.1 और इंटू आपके पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय आ गया 9, और फिर हो गया ऊपर में आपका 10⁻³ था ही, और यहाँ हो गया आपका 10⁻³ और नीचे है आपका 10⁹ और ये 4.8। देखो पॉइंट यहाँ भी हटा दिए, दो अंक बाद पॉइंट यहाँ भी था, यहाँ भी था, हटा दिए, इसका अब गुना करना स्टार्ट करते हैं।
इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो अंक बाद पॉइंट पुट करना पड़ेगा 98, अब 0.1 है और ये 0.098 इंटू 4, अब ये 10^-3 और नीचे वाला ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10^-9 और डिवाइडेड बाय 9 × 48। ठीक है, अब चार से इसको काट भी सकते हैं, 4×1 = 4 और 4×2 = 8। ठीक है, तो 0.98 डिवाइडेड बाय, और इसको इससे इंटू कर देते हैं, 9×2 = 18, 8 × 1 = 9, 9×1 = 10, 108 और ये हो गया आपका 12। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि लास्टली ये हम लोग का फिगर आया क्या। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है सीन में। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे तो देखते हैं क्या आना चाहिए। तो रफली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग भी करेंगे, 0.98 और डिवाइड करेंगे इसको 108 से, तो ये लमसम वैल्यू हमको देगा आपके पास 0.98 और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 108 से, 108 से तो ये हम लोग के पास आ गया है फिगर 0.00907 ऐसा कुछ, और ये 10^-12, ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया है अभी। ठीक है, ये कैलकुलेटर में हम लोग करके देखें, आप भी आप चाहो तो मिला सकते हो। अब क्यू का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट डालेंगे, 0.00907 और 10^-12, तो 10^-12 का आ जाएगा 10^-6 स्क्वायर रूट, 10^-6 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये बचा है आपका 0.009 और राउंड ऑफ कर लेते हैं, साथ है हटा दो तो यहाँ एक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को क्या देता है कैलकुलेशन में, तो ये हम लोग को कैलकुलेशन में देगा, तो ये हम लोग का कैलकुलेशन में क्या देगा ये तो देखना है, 0.00 ये देखेंगे अभी हम लोग, 0.00091 तो देख रहे हैं इसमें क्या वैल्यू आएगा, 0. इसको सॉल्व करने के बाद ये हम लोग के पास आएगा 0.095, ठीक है, × 10^-6 कूलम, ये हम लोग का आंसर है। इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ था ये 2.357 × 10^-6 कूलम, इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू गलत था। ठीक है, पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और कैसे कैसे इसमें काम करना है ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोले थे, दो चार्ज पार्टी के लिए, यहाँ दो चार्ज पार्टी के लिए, ठीक है, दोनों इक्वली फोर्स लगा दिया। ठीक, और ये तुम्हारा टेंशन है, ठीक, ये एम जी है, टी कॉस टी साइन में टूटा, इक्विलिब्रियम है सिस्टम, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में बोला तो नहीं था, हमको लेना पड़ा इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपेल करके ये एक फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बढ़ना जो है बंद कर दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, और यहाँ जो बगल में जो ये सॉल्व किए हैं फिगर का इन ट्रायंगल एबीसी, उसमें हम ये बेस निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, जो बेस यहाँ से निकला है, और ये बेस का वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, तो जो ये डिवाइडिंग करके जो ये निकलेगा ना, ये डिवाइडिंग करके जो ये निकलेगा एम जी टैन थीटा, ये टैन थीटा के जगह पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस डालना होगा, जो परपेंडिकुलर आपके फिगर में है 0.1 और बेस हम यहाँ आपको निकाल के दिए हैं 0.48, ये परपेंडिकुलर बाई बेस में डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए और नॉर्मली सॉल्व करते गए, तो ये लमसम हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, ये बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, थैंक यू।